हेलो गाइस गाइस, काफ़ी टाइम से मैं कोई माइक्रो नीच नहीं लेकर आ रहा था, तो आज मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को एक माइक्रो नीच टॉपिक बताया जाए। तो अभी मेरे माइंड में एक माइक्रो नीच टॉपिक है जिसपे आपको ज़्यादा आर्टिकल नहीं लिखने हैं, आपको बस अप्रूवल भर के 20-25 आर्टिकल लिखने होंगे ताकि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए अगर आप उस माइक्रो नीच पे काम करते हो। और इसमें क्या है, केवल ये आपको अपनी क्रिएटिविटी करनी है जी। मतलब इतना समझ लो कि ये जो नीच है जो मैं आपको बताऊंगा, ये इमेज वेबसाइट के ऊपर है। मतलब इमेज वेबसाइट आपको बनानी है। अब इमेज वेबसाइट में कोई कंटेंट तो होता नहीं है, लेकिन रैंक कराने के लिए हमें अपने टारगेटेड कीवर्ड पे रैंक करने के लिए 100-200 या फिर 500 वर्ड का आर्टिकल तो लिखना ही पड़ेगा, और बाकी जो चीज़ होगा वो यहाँ पर SEO जो करना पड़ेगा हमें अपने आर्टिकल पे, वो आर्टिकल का SEO हमें करना पड़ेगा अपने इमेजेस पे, ताकि हमारी इमेजेस अलग अलग रैंक करें और वहाँ से हमें ट्रैफिक मिले, और बाद में हमारा जो आर्टिकल है, जो हमने इमेज आर्टिकल बनाया है, वो हमारे टारगेटेड कीवर्ड पे रैंक करे। ओके, तो अभी मैं आपको पहले दिखाता हूँ वो कीवर्ड, उसका कितना ट्रैफिक है, क्या इंटेंट है वगैरह वगैरह, उसके बाद कैसे काम करना है, कहाँ से इमेज लाओगे, ये सभी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। इमेज की आप प्रॉब्लम मतलब आप टेंशन मत लो, आपको इमेज का सोर्स भी बता दूंगा, वहाँ से आप इमेज निकाल लेना, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल सा इमेज वाला कीवर्ड है, कोई ज़्यादा इतना खास नहीं है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जितने भी लोग न्यू हो, जो चैनल पे पहली बार आ रहे हो, ओके, तो वो लोग सब्सक्राइब कर लो। कल का जो लाइक एम रखा था किसी ने पूरा नहीं किया, ओके, बट चलो अभी फिर से लाइक एम रख रहा हूँ। मुझे लगता है 20 लाइक में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आप लोगों को 15 लाइक का रख रहा हूँ। 15 लाइक तो कर ही सकते हो, तो जितने व्यूज आते उस हिसाब से 15 लाइक तो मेरे बन ही जाएंगे। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, जो लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हैं और कोई माइक्रो नीच खोज रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनरली जो मेरा माइक्रो नीच है वो आप देख सकते हो, वो है ब्लैक वॉलपेपर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ब्लैक वॉलपेपर क्यों मैं ले रहा हूँ, क्योंकि जनरली ब्लैक वॉलपेपर जो है काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, जो लोग शायरी बनाते हैं या फिर बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं जो अपने बैकग्राउंड में ब्लैक वॉलपेपर यूज़ करते हैं, इसलिए ब्लैक वॉलपेपर की आप देखो डिमांड भी बढ़ती जा रही है। पहले कहाँ 80K की इसकी सर्च वॉल्यूम थी, लेकिन अब देखो अब धीरे 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 अब ये देखो 20-163K तक का पहुंच चुका है, यहाँ पर भी कम दिखा रहा है। और अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इसमें वर्ल्ड वाइड जो पूरा ट्रैफिक है वो 700+ K का ट्रैफिक है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कितना अच्छा ट्रैफिक आपको मिल रहा है इस कीवर्ड पे। अगर आप इस पे रैंक कर जाओगे तो आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो, और इसमें कुछ खास SEO भी नहीं करना, कोई ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है। हाँ, कुछ बड़ी इमेजेस साइट से आपको कंपटीशन होगा, लेकिन अगर आप माइक्रो निश AMD डोमेन लेते हो, एग्जैक्ट मैच डोमेन ले लेते हो अपने किसी भी अल्टरनेटिव कीवर्ड या फिर मेन कीवर्ड से, तो आप इजीली रैंक कर जाओगे। बस SEO और बैकलिंक का खेल है। ओके, अब यहाँ पर क्लिक्स भी देख सकते हो, मतलब इंटेंट भी अच्छा है, CPC भी अच्छी है। तो ये जो माइक्रो निश है इसके साथ के कुछ और भी यहाँ पर आप देख सकते हो कीवर्ड्स हैं, मतलब अल्टरनेटिव कीवर्ड्स हैं। जब इस पर आप काम करोगे तो आपको अपने मेन कीवर्ड के साथ साथ कुछ अल्टरनेटिव कीवर्ड पे भी रैंक करने के चांस मिलेंगे, ठीक है, जहाँ से भी आप अच्छा खासा ट्रैफिक गेन कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को सोर्स बताता हूँ आर्टिकल का, मतलब आर्टिकल के लिए जो इमेज लाना उसका सोर्स बताता हूँ। तो देखो ब्लैक वॉल पेपर 4K, ब्लैक एंड वाइट वॉल पेपर, ब्लैक पैंथर वॉल पेपर, ओके, ब्लैक बैकग्राउंड वॉलपेपर, ब्लैक स्क्रीन वॉलपेपर, तो सभी पे अच्छी सर्च है, काफ़ी अच्छी इंटेंट है, और लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स हैं। आप देख सकते हो सभी पे अच्छा ट्रैफिक भी मिल रहा है। ओके, तो ये सारे कीवर्ड्स को हम अपने आर्टिकल में कवर कर सकते हैं और इस पे रैंक कर सकते हैं। ओके, अब आपको मैं बताता हूँ कि जो लोग रैंक हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर अनप्लस और पिक्सल जैसी बड़ी बड़ी वेबसाइट रैंक है, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो पिक्सल भी है, लेकिन उसके बाद कुछ नॉर्मल से ब्लॉग्स भी रैंक कर रहे हैं। ये देखो एक थर्ड नंबर पे एक ब्लॉग रैंक कर रहा है। अगर मैं इसका ब्लॉग ओपन करके आपको दिखाऊं, तो केवल अपने इसने ब्लॉग में एक नॉर्मल सी इमेज वेबसाइट टाइप की इसने वेबसाइट बना रखी है, और एक एक इमेज जो है इसने अपलोड कर रखी है, उसका डाउनलोड दे रखा है, डाउनलोड बटन दे रखा है, और वगैरह मतलब शेयर करने के लिए कुछ शेयर आइकन्स दे रखे हैं। ओके, और कुछ खास नहीं है मेरे हिसाब से, तो इसने कंटेंट भी नहीं लिखा है। ओके, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना आसान है इनको बीट करना, ठीक है। अगर आप कुछ कंटेंट लिख दोगे और ये सारी इमेजेस लगा दोगे, ओके, तो गूगल का जो बॉट है उसे इजीली आपके आर्टिकल को रैंक कराना में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो समझ जाएगा कि आप किस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो। अगर आप 500-1000 वर्ड का कहीं ना कहीं टेक्स्ट या फिर कंटेंट लिख सकते हो,
डिस्क्राइब कर सकते हो, ओके, तो वो इजीली डिटेक्ट कर लेगा। दूसरी चीज़, जो ये इमेजेस हैं जो आप देख रहे हो, जो इसने इमेजेस लगा रखी हैं, ये इमेजेस बहुत लोगों की प्रॉब्लम है कि हम ये इमेजेस कहाँ से लाएंगे। तो भाई ये फ्री सोर्सेज किसके लिए हैं, पिक्सबी और अनप्लस, देख सकते हो अनस्प्लस करके है, ये सब पे देखो, ये सब फ्री प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप चाहे 100 इमेजेस निकालो चाहे 200 निकालो, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। सारे ब्लैक बैकग्राउंड वाले इमेजेस जो बढ़िया बढ़िया हैं डाउनलोड करो, ठीक है, 100-200 निकाल लो इधर से अपने टारगेटेड कीवर्ड्स के लिए आर्टिकल लिखो, उसके बाद ये सारे इमेजेस जितने भी आपने डाउनलोड करे हैं इनको कंप्रेस करके इनका साइज रिड्यूस कर लो, ओके, जब इनका साइज रिड्यूस हो जाए एक एक करके अपलोड करो, साथ में क्या करो एक थीम यूज़ कर लो, कोई अच्छी थीम जिसमें डाउनलोड बटन मिल जाए, जिन पे आप डाउनलोड बटन दे सकते हो, वो थीम मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, पिन कर दूंगा, ठीक है, थीम अभी मुझे भी ध्यान नहीं आ रही है, तो वो वाली थीम आप यूज़ कर लो और वहाँ पर इमेज दे दो। जनरली अगर आप ऐसे भी इमेज दे दोगे तो लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, इमेज दो, इमेज के बाद अपना एक सोर्स की लिंक में ये यहाँ की लिंक दे सकते हो, ओके, कोई कॉपीराइट कुछ भी नहीं आएगा, और सारी इमेजेस अपलोड करो, थोड़ा बहुत अगर क्रिएटिविटी करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे ब्लैक बैकग्राउंड का टॉपिक है तो कोई क्रिएटिविटी मुझे नहीं लगता कि इस पे करने की ज़रूरत है, और बाद में जब इस पे आर्टिकल हो जाए, कुछ हेल्पिंग आर्टिकल्स इनके अल्टरनेटिव कीवर्ड को टारगेट करके लिखो, लिंक कर दो, और उसके बाद अप्रूवल के लिए 25-30 अदर वेबसाइट के रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स बन सकते हैं ब्लैक बैकग्राउंड के, उनको लिखो, अप्रूवल लो, और बाद में बैकलिंक इस पे बनाओ, झमाझम बिल्कुल बैकलिंक बनाओ, ठीक है, काफ़ी अथॉरिटी की साइट्स यहाँ पर रैंक कर रही हैं, तो पिक्स वाली जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनसे बैकलिंक बनाओ, उनसे बात करो, कोई ना कोई तो साइट बैकलिंक दे ही देगी, तो जो बैकलिंक दे दे उनसे बैकलिंक लो, और जितनी ज़्यादा बैकलिंक बनाओगे उतनी जल्दी रैंक कर जाओगे, और EMD डोमेन अगर लोगे, एग्जैक्ट मैच डोमेन लोगे अपने टारगेटेड से, कीवर्ड टारगेटेड, जो कीवर्ड टारगेटेड है इससे मैच कोई भी डोमेन लोगे तो और भी जल्दी रैंक करोगे, क्योंकि EMD डोमेन जल्दी रैंक करते हैं आपके टारगेटेड कीवर्ड पे, ओके, तो यूज़ करो ये स्ट्रैटेजी और रैंक करो, ठीक है। बाकी आप ये कीवर्ड देख सकते हो, बाकी और भी माइक्रो नीच मैं बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, वैसे मुझे लगता तो नहीं है कि कोई कमेंट होगा, लेकिन अगर कोई भी कमेंट है ब्लॉगिंग से, यूट्यूब या फिर डिजिटल मार्केटिंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग किसी से रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ओके। और एक चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, लोगों में शेयर भी करना, और अपनी राय दो कि कैसा लगता है जो मैं वीडियो बनाता हूँ, कैसा है टॉपिक जो भी मैं बताता हूँ वो ठीक है कि नहीं। बाकी अगर आपका कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में है पूछ सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई मेरा वो नहीं है कि मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा या फिर मैं रिप्लाई नहीं करता, तो जिनके क्वेश्चन मुझे लगता है कि रिप्लाई करने वाला है मैं उनके कमेंट का रिप्लाई कर देता हूँ, ओके, तो आप भी क्वेश्चन करो आपको भी रिप्लाई मिलेगा, ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, गुड बाय।